अगली खबर आ रही रीवा जिले से, जहां विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रायपुर करछुलियान में आयोजित महर्षि विश्वामित्र जन्म जयंती समारोह एवं दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने वरिष्ठ शिक्षाविदों का सम्मान किया। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए श्री गौतम ने कहा कि हमारी आस्था अपने महापुरुषों व ऋषि मुनियों के प्रति होनी चाहिए। भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का भाव देने वाली है। हमें अपनी परंपरा एवं संस्कृति को बनाए रखना आवश्यक है। इसलिए जरूरी है कि महापुरुष ऋषियों एवं संतों द्वारा बताए गए रास्ते का अनुसरण करें, ताकि देश की सहिष्णुता कमजोर ना होने पाए। उन्होंने कहा कि समाज में अविश्वास के वातावरण को दूर करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ी अनुसरण करते हुए विश्वास के पथ पर आगे बढ़ सके। उन्होंने सम्मानित गुरुओं को नमन करते हुए कहा कि गुरु शिष्य परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान रही है। इन्हीं सभी मापदंडों के आधार पर ही हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। कार्यक्रम के आयोजक पूर्व जनपद अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष का आयोजकों द्वारा सॉल श्रीफल सौंपकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में राम सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह, अनीता मिश्रा, कल्पना श्रीवास्तव, सुनील सोगौरा, सुरेंद्र सिंह चंदेल, आर आर पांडे, मन्नू गुप्ता, पुष्पेंद्र गौतम सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन तथा रायपुर करछुलियान एवं आसपास के गांवों के विशिष्ट जन उपस्थित रहे। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।